हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। और आज मैं आप लोगों के लिए 13 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग डिटेल ज़रूर देखें, क्योंकि डिटेल से आप लोगों के करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन सी बनी है? तो मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, और उन्होंने यह फुटबॉल मैच अर्जेंटीना लीग के दौरान खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो कैरोलिना अरुजो ने 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है। इसके बारे में जान लेते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन हैं, और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गठित महिलाओं की गणित समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुजो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी ने वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8% रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को -8% रहने का अनुमान लगाया है, और इससे पहले एडमिन ने पिछले 6 महीनों में देश की जीडीपी -9.0% रहने का अनुमान लगाया था। यहाँ पर बात हुई है एडीबी बैंक की, तो एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 में कौन से अभिनेता शीर्ष पर रहे हैं? तो इस चीज़ का आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने यूके में स्थित ईस्टर्न समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और इसी के साथ कनाडा के यूट्यूब पर लिली सिंह ने पैथ ब्रेकिंग जर्नी के आउटपुट और दर्शकों के मनोरंजक के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और छठे पर रही प्रियंका चोपड़ा, यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने छठा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय केंद्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय केंद्र को तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में हकीम पेट शहर में स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है, और CRPF ग्रुप में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन मुख्य दिव्यांग लोगों के कल्याण एवं उनकी सहायता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए पीएम वाणी की शुरुआत की गई है। ये पीएम वाणी योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए पीएम वाणी नाम से योजना की शुरुआत की है, और पीएम वाणी योजना की जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, और इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के
प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रख रखाव का काम पब्लिक डाटा ऑफिस करेगा और यह योजना किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में किराने की दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और वाईफाई सेवाएं देने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और राजेश जिंदल वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश कश्यप की जगह लेंगे और राजेश बिंदल ने 1985 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना करियर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी शहर का आर्थिक और सामाजिक विकास तथा प्रशासन की प्रभावशीलता और शहरों के रहने लायक स्थिति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है और टॉप जो राज्य है, टॉप थ्री, उनमें सबसे पहला उड़ीसा है, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भूमिका चावला अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है और मंगलदीप ITC कंपनी का उत्पाद है और हम सभी जानते हैं भूमिका चावला भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में किस नदी पर 3 लेन के कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की सोन नदी पर 3 लेन के कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है और यहाँ पर जान लेते हैं डिटेल में। इस कोइलवर पुल के निर्माण पर 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। यहाँ पर आप लोगों का वीडियो फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। Thanks for watching.